नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। शाम 6 बजे हम पालघर में संतों की क्रूर और निर्मम हत्या पर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में बेरहमी से मारे गए 2 संतों के इंसाफ के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। जिनको इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज नेशन लगातार मुहिम चला रहा है। उस हत्याकांड के 26 दिन बीत जाने के बाद भी इंसाफ तो छोड़िए, जांच पर ही आंच उठने लगी है। पुलिस वालों को बचाने के लिए सस्पेंशन से लेकर ट्रांसफर का खेल तो हो रहा है, तो वहीं आरोपियों को छिपाने का प्रपंच भी शुरू हो चुका है। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो वो है इंसाफ। इस हत्याकांड में बड़े पैमाने पर गलत गिरफ्तारी के आरोप भी लग रहे हैं। जिन शैतानों ने भीड़ को उकसाकर कातिल बना दिया, उनके खिलाफ नरमी क्यों बरती जा रही है? क्या पालघर में इंसाफ को ही मारने की साजिश हो रही है? क्या संतों को इंसाफ के लिए सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा? क्या इस गहरी साजिश के पीछे कोई सियासी दबाव है? फिर हिंदुत्व से नफरत का कोई घातक एजेंडा छुपा हुआ है? इन तमाम सवालों की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर खोलेंगे हमारी बड़ी बहस। पालघर में संतों की बेरहमी से हुई हत्या को 1 महीना होने को है, लेकिन अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ पालघर हत्याकांड का मास्टरमाइंड? देश को झंझोर देने वाले इस बर्बर मॉब लिंचिंग के 26 दिन बीत गए, लेकिन पालघर में संतों की हत्या की साजिश का अब तक पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? संत हत्याकांड में अब तक 133 गिरफ्तार हुए, लेकिन सैकड़ों हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों हैं? पालघर में मारे गए संतों को इंसाफ कब देगी उद्धव सरकार? हम चेतावनी देते हैं, महाराष्ट्र सरकार अविलंब इस विषय पर कार्यवाही करे, अन्यथा तो हिंदू समाज जो है एक प्रचंड आंदोलन के लिए मजबूर होगा। पालघर में हुए बर्बर हत्याकांड को 1 महीना होने को है, लेकिन कातिल भीड़ की बेरहमी के शिकार हुए संतों को इंसाफ मिलना तो दूर की बात है। अभी तक ना तो पुलिस इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंच पाई है और ना ही उन सैकड़ों हत्यारों को गिरफ्तार कर पाई है जो 2 संतों और उनके ड्राइवर की बेरहमी से जान लेने के लिए 16 अप्रैल की उस खूनी रात को शैतान बन गए थे। पालघर पुलिस, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स और CID ने बीते कुछ दिनों में गढ़चिंचले के पास के जंगलों से 18 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को गढ़चिंचले के पास की फॉरेस्ट चौकी की CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड में अब तक 133 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन करीब 300 से 350 आरोपी अब भी फरार हैं। संत हत्याकांड में पुलिस और CID जांच की सुस्त रफ्तार के बीच गढ़चिंचले गांव के लोगों का आरोप है कि पालघर पुलिस बड़े पैमाने पर गलत गिरफ्तारियां कर रही है। गिरफ्तार लोगों के घर वाले पुलिस के साथ साथ NCP के जिला परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी पर भी उंगली उठा रहे हैं। मेरा एक लड़का बीमार है, उसने कुछ नहीं किया, फिर भी पुलिस उसे मारते हुए लेकर गई। धानु अस्पताल में था और घर आया वैसे ही मारते हुए लेकर गए। काशीनाथ दादा ने कुछ भी नहीं बोला, अगर वो बोलते तो लोग हट जाते, उनको बोलना चाहिए था। काशीनाथ दादा आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बचाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उनको गाड़ी में बैठाया तो तुरंत लेकर जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस भी रुकी हुई थी। करीब 12 गांव के लोग आए थे, उनको संभाल नहीं पाए। जो हमारे निर्दोष लड़के हैं उन्हें छोड़ना चाहिए। घर में जो लोग सोए थे और घटना में शामिल नहीं थे उन्हें भी उठाकर ले गए। जो अपराधी हैं, खूनी हैं, उन्हें ही पकड़ना चाहिए और निर्दोष लोगों को छोड़ देना चाहिए। काशीनाथ चौधरी घटनास्थल पर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर वो बचाने का प्रयास करते तो घटना नहीं होती। संतों की हत्या के दौरान कायरता दिखाने वाली पुलिस का दामन पहले से ही दागदार है और अब कुछ बेगुनाहों की गिरफ्तारी के आरोपों से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पालघर पुलिस अब इस हत्याकांड की लिपापोती में जुटी है? क्या पालघर पुलिस किसी सियासी दबाव में काम कर रही है? कहीं गलत गिरफ्तारियों से जांच को भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पालघर पुलिस अभी तक संतों की हत्या के पीछे की साजिश को ना तो पर्दाफाश ही कर पाई है और ना ही इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंच सकी है। वहां के SP पालघर के SP को छुट्टी पे भेजा है, वहां के कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ एक सीरियस एक्ट और ओमिशन है उन पुलिसकर्मियों के पार्ट पे जो एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है उस क्राइम को। और जो पुलिसकर्मी हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध रही, जिनके वजह से ये दुर्घटना हुई, ये घटना इतनी जघन्य घटना हुई, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो, उनके खिलाफ IPC में सेक्शन रजिस्टर हो, ताकि न्याय में लोगों की आस्था फिर से बन सके। खाकी को खलनायक बता रही गढ़चिंचले गांव की ये महिलाएं NCP के जिला परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम ने काशीनाथ चौधरी से ये सवाल किया कि उन्होंने 16 अप्रैल की रात को कातिल भीड़ को रोकने के लिए क्या किया, तो उन्होंने मामले को सियासी रंग देने में जरा भी देर नहीं लगाई। इसके बारे में मैं खुलासा करना चाहूंगा कि 2019 की विधानसभा चुनाव में
जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की एमएलए की सीट गिरी उसके वो मेरे ऊपर टारगेट कर रहे हैं, अभी ये राजनीतिक रंग देने की प्रयास कर रहे हैं, वो उनको बहुत बड़ा झटका मिला उस टाइम पे। पालघर हत्याकांड को सियासी रंग देकर मुद्दा भटकाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन न्यूज नेशन संतों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार मुहिम चला रहा है। न्यूज नेशन ने इस हत्याकांड से जुड़ी अपनी तफ्तीश में कई खुलासे भी किए। ये न्यूज नेशन की खबर का ही असर है कि पालघर के एसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में कासा थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं 35 पुलिसकर्मियों का तबादला भी कर दिया गया है। लेकिन पालघर के इस गांव में शायद कानून व्यवस्था का राज अब तक कायम नहीं हो सका है, तभी तो इस हत्याकांड के चश्मदीदों को संतों के हत्यारे का खौफ सता रहा है। जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, उसके बाद ही निर्दोष लड़के छूटेंगे। जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक हमको भी टेंशन और डर है, क्योंकि जो आरोपी बाहर हैं वो आकर मुझ पर हमला कर सकते हैं। जो लोग जंगल में छिपे हैं वो कभी भी आकर मुझ पर और मेरे घर पर हमला कर सकते हैं, जिसका मुझे डर है। पुलिस या जांच की सुस्त रफ्तार के बीच ये सवाल बने हुए हैं कि 300 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी। साधुओं की हत्या की साजिश किसने रची? एनसीपी और वामपंथियों के इस गढ़ में हुई बर्बर हत्या के पीछे अर्बन नक्सल और ईसाई मिशनरियों की मिलीभगत तो नहीं? क्योंकि जिस तरह से पालघर में पुलिस ने सरेंडर किया है और जिस तरह से एक के बाद एक राज बेपर्दा हो रहे हैं, वो साधुओं की हत्या में एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। पालघर से संजय सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन ने अपने इन्वेस्टिगेशन में साबित कर दिया है कि पालघर में संतों की लिंचिंग का मामला सिर्फ मॉब लिंचिंग ही नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश है। सवाल यह है कि जो इलाका शाम को 7 बजे सो जाता है वहां पर रात 11:30-12 बजे तक मौत का तांडव क्यों होता रहा? किसने वहां पर 500 लोगों की भीड़ जुटाई? किसके कहने पर वहां पर भीड़ आई? पहले संतों को दादर और नागर हवेली की तरफ जाते देखा गया, उनकी गाड़ी को स्पॉट किया गया। जब उनको दादर और नागर हवेली की सीमा से वापस लौटाया गया तब संतों को रोका गया, मारा पीटा गया और बाद में पुलिस के सामने 3 घंटे बाद निर्ममता से उन्हें, क्रूरता से उन्हें मार दिया गया। इसके पीछे कौन है? काशीनाथ चौधरी एनसीपी के नेता का नाम आ रहा है, वो हत्या के चश्मदीद है लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, एनसीपी के बड़े नेता है। चित्रा चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी की गढ़ चिंचले की सरपंच है, उनने बचाने की कोशिश की है और उनकी जान को खतरा देखते हुए स्थानीय पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है। सीधे चलते हैं हमारे पैनल को, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ सुनील सोलोमन साहब हैं जो कि एक ईसाई धर्मगुरु हैं, डॉक्टर अमृता पाठक है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन दिल्ली स्टेट की प्रेसिडेंट है लेफ्ट विंग की, विवेक श्रीवास्तव साहब है जो कि सीपीआई के लीडर है, स्वामी दीपांकर है जो कि एक हिंदू धर्मगुरु है और पहले दिन से इस मामले को उठा रहे हैं, विजय शंकर तिवारी जी है स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने एक अभियान चलाने की धमकी दी है और कि कहा है कि अगर संतों को न्याय नहीं मिला तो विश्व हिंदू परिषद लॉकडाउन के बाद एक देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। रिटायर्ड आरएसएन सिंह साहब हैं जो कि जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सिंह साहब, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहता हूं कि ऐसे इलाकों के अंदर खासतौर पर आदिवासी इलाकों में क्यों ईसाई मिशनरियां घुसती हैं? सवाल यह भी है कि वहां पर क्यों कट्टरपंथ चला जाता है, वामपंथ चला जाता है और बाद में वो माओवाद में बदल जाता है? कौन इन आदिवासियों के हाथों में AK-47 चाइनीज हथियार, पाकिस्तानी हथियार देता है? क्या रिलेशन है? कितना बड़ा देश की सिक्योरिटी का खतरा है? क्योंकि हमने स्थापित कर किया है कि आदिवासियों के अंदर वायलेंट संगठन भी लगातार काम कर रहे हैं उस इलाके में। देखिए, ये कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा कि जो माओवादी ताकतें हैं दुनिया में, जिसको कम्युनिस्ट ताकतें, किस तरह से सक्रिय हैं, किस तरह से चाइना का साउथ चाइना सी में ये है और किस तरह से जिहादी हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में भी यही ताकतें जो हैं, जिहादी, माओवादी, चर्च और माओवाद का बहुत बड़ा गठजोड़ है, तो वो सक्रिय है। वो उनको, क्योंकि ये सारी ये इस तरह की सोच, ये सारी खूनी धाराएं हैं। दीज आर मर्डरस फिलोसफीज, मर्डरस स्ट्रीम्स। तो इसमें कोई हैरानी की बात आपको नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, सिलसिला शुरू कब होता है? तो 2004 में जब रानी साहिबा यहाँ पर आई तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वो जो हमारे शंकराचार्य थे कांचीपुरम को, उनको गिरफ्तार करवाया क्योंकि वो एंटी कन्वर्जन में लगे हुए थे। कोई 60,000 से ज़्यादा लोग कहते हैं उन्होंने एंटी कन्वर्जन किया था। अब उनको दिवाली के दिन उठा लिया साहब। दिवाली का दिन उठाने का मतलब ये था कि जिस तरह से आप पोप को उठाते हैं ना, उनकी हैसियत वो पोप वाली है। लेकिन हमारे
हमारे देश के बहुत से नालायक नागरिक को कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, वो गिरफ्तार किए गए। और किस तरह से गिरफ्तार किए गए कि वहां की जो मुख्यमंत्री थी उस समय उनके खिलाफ टैक्स के वो थे, तो ये जो रानी साहिबा थी उनको उन्होंने धमकी दी कि आपको हम फंसा देंगे उसमें, और फिर इनको गिरफ्तार किया। और कहां से गिरफ्तार किया? महबूब नगर से। महबूब नगर में कौन था? जो चर्च का सबसे बड़ा पेट्रन था, जो मुख्यमंत्री था, वायराज शेखर रेड्डी। 2008 में आई है लक्ष्मी नंदा सरस्वती, उसकी हत्या होती है, उसमें भी गठजोड़ किसका? चर्च और माओवादियों का। वो क्या, उनका क्यों हुआ? क्योंकि वो एंटी कन्वर्जन कर रहे थे। उसी समय ये पूरा हिंदू टेरर की रचना रची गई, आपको मालूम है। फिर इन लोगों ने ये 26/11 करवाया, और उसके बाद ये स्वामी असीमानंद को क्यों किया? क्योंकि वो भी एंटी कन्वर्जन में लगे हुए थे। तो ये देखिए, मैं जब नेपाल पे किताब लिख रहा था, तो मैं काठमांडू में घूम रहा था ऐसी सड़कों पर, तो मैंने देखा ये एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे, हम कहे इनका क्या काम है यहाँ पे? तो फिर मैंने जब पता किया, तहकीकात की, तो पता चला कि ये कुछ नहीं, ये चर्च के लोग हैं जो कि पूरे माओवादियों के साथ ये लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा नेपाल में कि बिना कोई डिमांड के, नेपाल में कोई डिमांड नहीं था, जो ये आई माओवादी सरकार, तो बिना किसी राय लिए हुए, बिना कोई रेफरेंडम के, उन्होंने नेपाल को एक सेक्युलर कंट्री इसलिए डिक्लेयर कर दिया ताकि ये कन्वर्जन का, जो अब धड़ाधड़ कन्वर्जन हो रहा है साहब, तो ये देखिए, ये मजहबी ताकत है। ये मजहबी ताकत को आपसे बड़ा डर लगता है। मैं उनको डर लगता है क्योंकि जब आपको मुश्किलात आती है कन्वर्जन में, तो आप क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लगते हो। चुनाव के पहले आप दिल्ली के चर्चों पे पत्थर फेंकवाते हो, आप ग्राहम स्टेन्स की बीबी को पद्मश्री देते हो, आपको कोई देगा ऑस्ट्रेलिया में जाके? आप एक वो कौन, बाबा आमते का बेटा माओवादियों पे वैसेक्टोमी करता है ताकि वो शादी ने वो बच्चे ना पैदा कर सके, ताकि वो वुमेन का कार्डर्स जो है वो फैमिली नहीं बसा सके। तो ये तो बहुत दिन से चल रहा है साहब, हिम्मत नहीं थी लोगों में बोलने की, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं। और ये जब से ये विदेशी रानी इस यहां पर आई है, तब से ये हो रहा है, ये पूरा खेल हो रहा है। ये सीधे तो ये देखिए, ये सब खूनी विचारधाराएं हैं, इनको कोरोना और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीधे चलता हूं सुनील सोलोमन के पास। कट्टरपंथ और ईसाई मिशनरियों का गठजोड़ भारत में क्यों दिखाई देता है सुनील सोलोमन? और आरएसएन सिंह साहब, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने तो बात कर दी कि माओवाद से भी कहीं ना कहीं संबंध है। आप उन्हीं इलाकों में ज्यादातर काम करते हैं जहां पर इस तरह की गतिविधियां सक्रिय है, क्यों सुनील सोलोमन जी? जी जी जी, अच्छा, मैं यहाँ धर्मगुरु की हैसियत से आया हूँ, तो मैं धर्म की बात करूँगा। और जहाँ तक ईसाई धर्म की बात करते हैं, उनका ये जो बातें अभी बताई गई उनसे कोई लेना देना नहीं है। पर ये फैक्ट है जो सिंह साहब कह रहे हैं, जिनकी बात करें उन क्षेत्रों को, तो मैंने उन क्षेत्रों को कभी देखा नहीं है, और मेरे पास खाली सुनी खबर है। और अगर इन साधुओं की बात करें, मेरे निजी बहुत मित्र हैं साधु, जो मथुरा से मेरे घर आते हैं, मेरे साथ खाना पीना करते हैं, तो मेरे लिए तो उनके दिल में बहुत प्रेम है। और रही बात, नहीं सर, प्रेम होगा किसी की, लेकिन सैद्धांतिक सवाल ये है कि ईसाई मिशनरियां उन्हीं इलाकों में क्यों काम करती है जो आदिवासी इलाके हैं, जहां पर माओवाद दिखाई देता है? बोलने दीजिए मुझे, सुनील नाम आपको धर्म से नहीं, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है उसका, आपने मजहब उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो नाम आपको, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हत्या होना, हिंसा होना, इसके लिए केवल एक समाज को नहीं, पूरे देश को बहुत दुख है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी एक बेचारे नादान की जान जाना, ये सब हो जाने के बाद आप कहें कि हमें ही दर्द हुआ, बाकियों को दर्द नहीं हुआ, ये मिथ्या है।
आप मुद्दे का जवाब नहीं दे रहे सुनील सोलोमन साहब, आप बताइए क्यों है ये गठजोड़ देश के अंदर, जो उन इलाकों में काम किया जाता है ईसाई मिशनरियों द्वारा जहां पर बहुतायत आदिवासी या दलित हैं, इसका जवाब दीजिए। तो आप मेहरबानी से मुझे मुझे यहीं तक सीमित रखें, मुझे इन बातों में नहीं घसीटिए, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, सीधा सीधा एलिगेशन है, 2004 में ऑपरेशन नेपाल हुआ था, वहां के हिंदू राष्ट्र को आपने एकाएक बदल दिया माओ राज में, ऐसा क्यों बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, और आपकी पार्टी की तो बहुत बड़ी भूमिका थी उसमें। सुन लीजिए अब आप साफ साफ, नेपाल में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसमें वहां की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई है, चुन के आई है, वोट लेकर के आई है। आरएसएन सिंह क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग दलितों के खिलाफ अत्याचार करते हैं, दुनिया एक दलित को शंकराचार्य बनाने के लिए तैयार हो जाओगे, कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन इसलिए होता है क्योंकि हमारे धर्म में वर्ण व्यवस्था है, ओबीसीज को दलितों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, सेंचुरी से कुचला गया है, कन्वर्जन इसलिए होता है। हिंदू धर्म में सुधार हो सकता है सर, फिर चर्च में प्रोटेस्ट मत चाहिए, पहले करें, फिर चर्च में जो प्रोटेस्ट बात करो, और हाथ से कभी सम्मेलन में जाओ, सारे चर्च क्या है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, रशियन और गोटा क्या बता रहे हो ना, ये क्यों है, कभी सम्मेलन में जाना शुरू करें, ज्यादा अच्छा है, तो मालूम है ना, एक्शन फिगर्स आपके पास नहीं है, ना आपको इस्लाम में नहीं है काम, ना आपको जिहादियों का नहीं है, मदिया नहीं है, आचार्य का ज्ञान है आपको नहीं है, कन्वर्जन के लिए और धर्मों को मत ब्लेम करिए, अपने धर्म को इतना दीजिए, जस्टिस दीजिए सब बच्चों को, कन्वर्जन नहीं होगा। दूसरी बात, इस चैनल पे बैठ के, दूसरी बात, इस चैनल पे बैठ के आप हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह से नहीं बोलोगे, नहीं नहीं हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे, कृपया हम हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान हमारा देश है, आपके धर्म से प्यार करते हैं, पहली बात, देश की फौज से प्यार करते हैं, लेकिन धर्म और धर्म में राजनीति में नहीं होता है, धर्म का धर्म जो है नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों पे चलता है इस देश के अंदर, हमारी मजहब की किताब नहीं कहती है, जो किताबें कहती है कि अर्थ इज फ्लैट बंद करिए, जो किताबें कहती है अर्थ इज फ्लैट वो कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। अरे भैया तुम जो मजहब की किताबें कहती है कि अर्थ इज फ्लैट वो कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। मैं सीधे स्वामी दीपांकर के पास चलता हूँ, मैं दोनों से संयम की अपील करता हूँ, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, ऑडियो डिस्टॉर्ट हो जाता है। स्वामी दीपांकर जी, क्या ये सच नहीं है कि नेपाल में क्या हुआ सबने देखा 2004 से 2014 के दौरान? नेपाल से मैं सीधे पालघर तक आ जाता हूँ, पालघर के सच के अंदर कहीं ना कहीं आदिवासियों को भड़काना, ये कहना कि तुम हिंदू नहीं हो, ये कहना कि जल जंगल जमीन सब आपका है, यहाँ पर जो आए उसे मारो, ये सब क्यों? क्या ये जवाब है? क्यों है कट्टरपंथ और वामपंथ का गठबंधन? बेसिक क्या है दीपक भाई, इस देश के साथ विपता ये है कि कुछ लोगों की आदत हो चुकी है इस देश में रहकर, इस देश का खाकर, इस देश का पीकर, इस देश में जीकर इस देश को नीचा कैसे दिखाएं। मगर मेरा तो यक्ष प्रश्न आज भी वही है जो आज से 26 दिन पहले था कि मेरे साधुओं को मारा क्यों, पर पूछना यह चाहता हूं कि स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्र और सनातन की उपेक्षा आखिर कब तक, कब तक? पूछिए अपने मन पर और जवाब दीजिए उसके बाद। दूसरा यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विवेक भाई ने बड़ी खूबसूरती से सनातन से दलितों को अलग करने का जो लेक्चर दिया, मैं बताना चाहता हूं इस बार कुंभ में कई उपाधियां मेरे दलित भाइयों को, या ये कहूंगा मेरे हिंदू सनातनी भाइयों को, मेरे सामने दी गई और महामंडलेश्वर बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई, प्रथम और द्वितीय ये कि जिस प्रकार से सिंह साहब ने अपनी बात को रखा, मैं बहुत हद तक उससे सहमत हूं, मगर मैं आज भी यही कहना चाहता हूं, और आज भी डंके की चोट पर पूछ रहा हूं दलितों को सम्मेलन करेंगे। बोलने दीजिए, मैं आपके बारे में जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला सर, दोनों प्रश्न पूछिएगा आप ब्रेक के बाद। दीपांकर जी, आप अपनी बात कंक्लूड करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दीपक भैया के 70 साल के बुजुर्ग पर, 70 साल के सन्यासी पर आज तक गूगल पर रिसर्च कर बताइए कभी बच्चा चोरी का इल्जाम या चोरी के इल्जाम पर इस प्रकार बर्बरता की गई कि आज भी उन पर जब लाठियां वीडियो आप दिखा रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे दुख इस बात का है, इनके सीने में वेदना और करुणा क्यों नहीं है?
लड़ाई कोरोना से लड़ रहे हैं और अधिकांश मन मठ मंदिर उस पर दान कर रहे हैं, क्या इसीलिए कि उनके सन्यासियों को इस प्रकार कुचल दिया जाए, बर्बरता की जाए? एक नाटक की भी हद होती है। और अपना दिया पश्चिम की ओर जला करके मेरे भारत को संबोधित मत करो। डॉक्टर अमृता पाठक, एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा, क्यों ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है एक कट्टरपंथ, वामपंथ और क्रिश्चियन मिशनरियों का एक गठबंधन नजर आता है? डॉक्टर पाठक क्यों? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ डॉक्टर पाठक, आपको दीपक जी। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ दीपक जी, क्विक कमेंट की बात तो नहीं है। मैं इतने देर से चुप, मैं बस दो बात कहूंगी जी। पहली बात तो जो पालघर में हुआ या जो देश भर में हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। पालघर में जिस तरह से हत्याएं हुई है या जिस तरह से भीड़ तंत्र कायम किया गया है, तो सोचने का बात ये नहीं है कि वहां सिर्फ हुआ, सोचने की बात ये है कि ये क्यों हुआ और कब से शुरू हुआ इस देश के अंदर। ये सोचिए, पहले जब भीड़ तंत्र से हत्या हुई तो उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए था। हेलो जी, बोलिए। आप तो उस समय आपने नहीं बोला, उस समय आप नहीं बोले, उस समय आपने डिबेट नहीं किया। अगर उस समय कर लिए होते दीपक जी तो आज ये नौबत नहीं आती। ये दूसरी बात, आज आप धर्म को इसमें ला रहे हैं कि ये ईसाई है, ये ईसाई है, ये ईसाई का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, इसमें किसने इसने इस, मुझे पूरा करने दीजिए, पुरानी बात मत, पुराने धर्रे पे मत जाइए दीपक जी। मुझे बात पूरी करा रही है डॉक्टर पाठक। एलिगेशन है दीपक जी, अगर आप तब कर लिए होते तो आज भीड़ को इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज हमारे देश के साधुओं की हत्या होती। तब भी किया गया था अमृता जी, ईमानदारी से मानना चाहिए। वो एक पुरानी कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। आपको एक ही जाति दिखाई देती है, आपको एक ही धर्म दिखाई देता है, दूसरा धर्म नहीं दिखाई देता है। मेरी वामपंथियों से कंप्लेन ही है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये ईसाई कर रहा है कि वामपंथी कर रहा है, भूल गए हैं आप कि संविधान में हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये हिंदू मुसलमान मत करिए, देश के इंसान की बात करिए। जो मर रहे हैं, चाहे भीड़ द्वारा मर रहे हैं या सड़क पे मर रहे हैं, वो इंसान मर रहे हैं, इस पर बात करिए। कुछ तो संवेदना बचा के रखने की जरूरत है इस देश में। इंसानियत वामपंथी समझ पाते, करने की जरूरत है। इंसानियत वामपंथी समझ पाते। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी से डिबेट को खोलूंगा।